हेलो एवरीवन, माय सेल्फ भावना ठक्कर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स एंड द वैल्यू और एक्सपांशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स में हमने देखा इन डिटरमिनेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर एरे सिंबल एंड डिटरमिनेंट हैज अ रियल वैल्यू। आज हम देखेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स एंड द वैल्यू और एक्सपांशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। नाउ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, अ स्क्वायर एरे सिंबल ऑफ नाइन एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। स्क्वायर एरे सिंबल मीन्स टू पैरेलल लाइंस, नाइन एलिमेंट्स आर देयर and they are real numbers. Then this type of determinant is called third order determinant. Now in this determinant, A, B, C are the elements of first row R1, D, E, F are the elements of second row R2, and these are the elements of third row R3. So total there are three rows. Row means horizontal line. Now, these are the elements of first column C1, second column C2 and third column C3. So, total there are three rows and three columns. Row means horizontal line and column means vertical line. Three rows and three columns. So, this type of determinant is called third order determinant or 3 by 3. Now in this determinant, A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, E, I are the elements of principal diagonal and these are the elements of subsidiary diagonal . Now the value or expansion of third order determinant. Third order determinant ki value kaise find karte hain ye abhi dekhte hain. For example, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 1, 3, -2, 2, 1, 0, 3, -2, 4. ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पे थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स, सो कोई भी रो का एलिमेंट या कोई भी कॉलम का एलिमेंट्स लेकर कर सकते हैं। जनरली हम यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट्स लेकर करते हैं। तो उसके लिए आपको साइन याद रखना होगा। फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो है तो माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो है तो प्लस माइनस प्लस। प्लस साइन मीन्स एलिमेंट्स की जो साइन है वो ही रखना है, एज इट इज रखना है। और जहां पे माइनस साइन है वहां ऑपोजिट साइन लेना है। इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वन और उसके आगे साइन है प्लस, प्लस मीन्स जो है वो ही रखना है, मीन्स वन इन टू। नाउ वन इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो डिलीटिंग द रो एंड कॉलम विच कंटेन दैट एलिमेंट। So deleting first row and first column. So the remaining elements are 1, 0, -2, 4. और उसका second order determinant. Now second element 3. और यहां पे sign है minus. So minus 3. Now 3. 3 is in first row and second column.
So deleting first row and second column. So the remaining elements are 2, 0, 3, 4. Now third element is minus 2. और यहाँ पे साइन प्लस, प्लस मीन्स जो है वो ही मीन्स माइनस टू इन टू. नाउ माइनस टू इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. सो डिलीटिंग दिस रो एंड कॉलम सो वी गेट फोर एलिमेंट्स 2, 1, 3, -2. ओके क्लियर. इक्वल टू 1 इंटू. नाउ वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज कैसे फाइंड करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट्स माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट्स. सो 1 इंटू 4, 4 -0, -3. नाउ 2 इंटू 4, 8 -3 इंटू 0, 0 -2, 2 इंटू -2, -4, -3. क्लियर. इक्वल टू 1 इंटू 4 -0, 4 8 -0, 8 -2, -4, -3, -7. सो 4 -8 इंटू 3, 24 -+14 इक्वल टू 4 -24, -20, +14 सो -6. थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6. डिटर्मिनेंट हैज अ रियल वैल्यू. अभी हमने थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की. थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक सेकंड जो मेथड है वो है सारस मेथड. ये मेथड से भी आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और ये भी बहुत इजी मेथड है. ये मेथड में आपको पहले क्या करना है कि जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट टू कॉलम्स है उसको रिपीट करना है, फिर से लिखना है. तो गिवन डिटर्मिनेंट इज 1, 3, -2, 2, 1, 0, 3, -2, 4. अभी फर्स्ट जो टू कॉलम्स है 1, 2, 3, 3, 1, -2. ओके अभी आपको क्या करना है, यहां से लेफ्ट टू राइट ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको यहां एरो करना है. 3, 3 एलिमेंट्स जो है, फिर ये 3 एलिमेंट्स और ये 3 एलिमेंट्स. ओके नाउ राइट टू लेफ्ट. अभी राइट टू लेफ्ट यहां से ये जो 3, 3 एलिमेंट्स है उसको एरो करना है. ओके फिर टू ब्रैकेट बीच में माइनस साइन. अभी जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें ये जो 3 एलिमेंट्स है उसका मल्टीप्लीकेशन 1, 1, 4, 1, 4 प्लस ये जो 3 एलिमेंट्स है 3, 0, 3, 3 × 0 × 3 उसका मल्टीप्लीकेशन प्लस ये 3 एलिमेंट्स जो है -2, 2, -2, -2. क्लियर. क्या करना है, पहले ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें ये 3 एलिमेंट्स जो है उसका मल्टीप्लीकेशन और बीच में प्लस साइन एडिशन. ओके नाउ ये जो सेकंड ब्रैकेट है यहां से ये जो 3, 3 एलिमेंट्स है उसका मल्टीप्लीकेशन 3, 2, 4, 3, 2, 4 प्लस 1, 0, -2, 1, 0, -2 प्लस -2, 1, 3.
minus 2, 1, 3. Okay? Equal to. Multiplication 4 into 1, 4. Plus, यहाँ पे तो 0 है, so 0. Plus, minus 2, minus 2. 4 into 2, 8. Minus. 3 into 2 into 4, 24. Plus, 0, minus 2, 1, 3. Minus 6. Equal to 8 plus 4, 12, minus 24, minus 6, so 18, and 12 minus 18, so minus 6. तो ये जो है, ये method से भी answer वही आया, same आया, तो ये method से भी आप third order determinant की जो value है वो find कर सकते हैं. Clear? Okay.